सरदार जी, मैं कौन हूं, कहां कहूं और यहां कैसे आ गया, मैं आपसे सब कुछ बतलाऊंगा। आप हमारी बात को ध्यान से। अजनबी, हर मर्द के अंदर सारे दुख सहने की सामर्थ होती है। किसी भी दुख में हो तुम, सबसे पहले अपने आंसुओं को पिजाओ और नौजवान अपनी जीवन गाथा सच सच कहो। ईश्वर सिंह शपथ खाकर कहता है, अपनी जान भी देकर अगर तुम्हारी मदद करनी पड़ी तो ईश्वर सिंह अपनी जान देकर तुम्हारी मदद करेगा। तो कर दो मदद हमारी, हर मदद करूंगा, मैंने सौगंध खाई है। तो कर दो मदद हमारी, आया चरण तुम्हारे, कर दो तुम्हारे। मानूंगा यह एहसान, मानूंगा यह एहसान, उम्रे भरे तुम्हारे। मानूंगा यह एहसान, उम्रे भरे तुम्हारा। नाम है सुमन सिंह सरदार जी हमारे, मन सिंह नाम है तुम्हारा क्यों? सुमन सिंह नाम है सरदार जी हमारे, नैनागढ़ दरबार का, इसी नैनागढ़ के नैनागढ़ दरबार का हो एक नौकर। सुमन सिंह, आंसुओं को पोंछ डालो, हम वादा करते हैं और यह ईश्वर सिंह का वादा है, तुम्हारी हर मदद होगी। सुमन सिंह, तो अपने दिल में न घबराओ नौजवान, हर मदद तेरी करने को तैयार हो, चाहे जितनी पड़े मुश्किलें, साथ देने को तेरा मैं तैयार हूं।
चाहे जितनी पड़े। सुमन सिंह यह ईश्वर सिंह मां भवानी की सौगंध खाता है कि तुम्हारी मदद में ये चाहे जितनी पड़े और आप झेलनी हर मुसीबत को सहने को तैयार हो। सुमन सिंह मैंने मां भवानी की सौगंध खा ली है, तुम्हारी हर मदद होगी। अपनी पूरी कहानी बताओ, तुम्हारे जीवन में तुम्हारे साथ हुआ क्या? मैं हमेशा नैनागढ़ सम्राट के हुक्म पर बॉर्डर पे तैनात रहता था। यानी तुम नैनागढ़ सम्राट के यहां सेनानायक के पद पर तैनात थे और अपना जीवन ईमानदारी पर व्यतीत कर दिया है। एक ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ मातृभूमि के लिए बलिदान हो जाने वाला सेनानायक आज इस तरह कैसे आंसू बहा रहा? एक दिन जब हम अपने सीमा सरहद से घर की ओर जा रहा था तो रास्ते में देखता हूं कि महाराज का बेटा कमलेश मेरी पत्नी को गला दबाकर मार डाला और उसके बाद मेरी एक लौती बेटी जिसका नाम चंद्रमणि था उसको ना जाने कहां छुपा दिया है। आज तक मेरी बेटी मुझे नहीं मिल पाई है। तुम्हारी आंखों के सामने महाराज के बेटे कमलेश ने तुम्हारी पत्नी की हत्या कर दी और तुम्हारी बेटी को न जाने का लापता कर दिया। हां सरदार जी, मैंने जब कमलेश को अपने हाथों से मारना चाहा तो क्या हुआ? फिर सोचा कि अगर इसे मैं मार देता हूं तो मेरी बेटी का पता कौन बताएगा। और उसे सम्राट के पास जब ले गया तो हुक्म तो उन्होंने सही किया लेकिन अपने कलंक को मिटाने के लिए छुप करके मेरे ऊपर वार किया और मेरे ऊपर गोलियों का वार कर दिया है। अपने आप को बचा करके मैं इस बीहड़ में आपके सामने आ पहुंचा। सुमन सिंह मेरी कहानी इतनी है। सुमन सिंह एक बात तुम्हारी मेरी समझ में नहीं आई है कि तुम्हारे पत्नी को महाराज के बेटे कमलेश ने गला दबाकर मार दिया, तुम्हारी बेटी को उसने गायब कर दिया और महाराज ने तुम पर गोली चलाई, लेकिन इस प्रजा के बारे में कभी महाराज के बारे में ऐसी बातें सुनते हुए सरदार ईश्वर सिंह ने कभी नहीं सुना। सुमन सिंह लेकिन सरदार जी यह बात आपकी सत्य है और मैं सच्चाई के रास्ते पर हमेशा रहा हूं। मैंने अपनी आंखों से गला दबाते हुए कमलेश को तो नहीं देखा, मैंने लाश के पास से उसे भागते हुए देखा है। सुमन सिंह और सम्राट ने जब मुझ पर गोली का वार किया तो हमने पीछे से उनका ताज देखा है और बेटी का अपहरण कब हुआ है मैं तीनों के विषय में कुछ नहीं जानता। सुमन सिंह अब मेरी समझ में आया है कि तुम्हारे साथ भी शतरंज का खेल खेला गया है। हम आपकी बात को और उसी शतरंज की चाल में उलझ कर रह गए। तुमने अपनी आंखों से कमलेश को अपनी पत्नी का गला दबाते हुए नहीं देखा, तुमने अपनी बेटी का अपहरण करते हुए कमलेश को नहीं देखा, तुमने सामने से महाराज को अपने ऊपर गोली चलाते हुए नहीं देखा, तो कैसे अपनी आत्मा पर विश्वास कर लिया कि यह सब कुछ तुम्हारे साथ उन्हीं लोगों ने किया है जो तुमने देखा?
लेकिन मेरा तो सब कुछ खो गया सरदार जी। मैं मानता हूं तुम्हारा सब कुछ खो गया है, मेरा भी कुछ खोया है, और उसी खोए हुए को पा तो नहीं सका, लेकिन इंतकाम की आग में जलता हुआ आज ये सरदार ईश्वर सिंह तुम्हारे समक्ष खड़ा हुआ है। सुनो, उस धोखे को सच में बदला अब हमारा और तुम्हारा काम होगा। सच्चाई का पता लगाकर पापी तक पहुंचना, सुमन सिंह हमें और तुम्हें पहुंचना होगा। हमें एक साथी और मिल गया, सुमन सिंह। आज से हम सौगंध खाते हैं कि इस पूरे गिरोह का उत्तरदायित्व तो मैं तुम्हारे कंधों पर रखता हूं, और तुम्हारा बड़ा भाई समझना या दोस्त समझना, जो कुछ समझ लेना, तुम्हारे साथ रहकर मैं अपने भी मकसद को पूरा करूंगा और तुम्हारे भी मकसद को पूर्ण करूंगा। छोटा भाई हमें सुमन सिंह, आज ईश्वर सिंह तुम्हें किस नाम से संबोधित करे, तुम्हें अपना छोटा भाई माने या अपना दोस्त माने, तुम जिस रिश्ते को कबूल करना चाहते हो उस रिश्ते को आज कबूल करो, और इस गिरोह की कमान संभाल कर हम इंतकाम की आग में चलते हुए अपनी बगावत को पूर्ण करें। आप हमें इतना बड़ा ओहदा दे रहे हैं, इस बात पर एक शेर याद आ गया है। सुमन सिंह, सेनानायक के पद पर रहे हो, शहरी भी करना जानते हो, सुनाओ कौन सा शहर याद आया है। कि बात ही बात में विश्वास बदल सकता है, बात ही बात में विश्वास बदल सकता है, और रात ही रात में इतिहास बदल सकता है। सही कहते हो सुमन सिंह, बात ही बात में तो विश्वास बदल जाता है। कि नैनागढ़ में इस बागी से कोई नहीं टकरा सकता। मेरे दोस्त, तुमसे जो टकराएगा ईश्वर सिंह की लाश से गुजरना होगा उस शराम जादे को। हमारे सारे साथी तुम्हारे लिए अपनी जान निछावर कर देंगे मेरे यार। इसी बात पर मैं एक शेर बोलता हूं, मैं इंतजार ही कर रहा हूं। जमीन और आसमां मिल जाए ये तो फिर भी मुमकिन है, मगर एक यार दुनिया में बड़ी मुश्किल से मिलता है। मेरे दोस्त सुमन सिंह, आज ईश्वर सिंह पहली बार 11 वर्षों के बाद खुश नजर आया है। इंतकाम लेने से पहले और याराना यार का न कभी छूटेगा। याराना यार का ना कभी छूटेगा। तेरा नाम ले ले कर, तेरा नाम ले ले कर मेरा दम टूटेगा। जहां गिरे पसीना तेरा मैं तो खून बहा दूंगा,
पसीना तेरा मैं तो खून बहा दूंगा, तू ही तू बस दिल में मेरे चीर के दिल दिखला दूंगा, तू ही दिल में मेरे चीर के दिल दिखला, अपना प्यार मेरे यार कोई क्या दोस्त सुमन सिंह। हम खुशियां उसी दिन मनाएंगे सरदार जी, जिस दिन हम उस कातिल को ढूंढ लेंगे। सुमन सिंह, हमने मां भवानी की सौगंध खाई है कि इस गिरोह की कमान तुम्हारे हाथ में होगी, तो दाहिना हाथ तो उस सराम जादे सूर्य प्रताप सिंह ने बहन की इज्जत बचाते हुए काट लिया था, लेकिन इस बाएं हाथ से मैं तेरा राज तिलक करता हूं। सरदार जी, अपने भेष में हमें भी बदलिए। चलिए राम बलि कहो गुरुदेव। राम बलि, तुम जानते हो कि ये जादूगर तुम्हें किस लिए बुलाया है? किस लिए गुरुदेव? तुम जाओ, हमारी बेटी क्रांति को बुला लाओ, जाओ। ठीक है गुरुदेव। और बेटी क्रांति, तुम कुशल हो? कैसी हो? पिताजी, मैं आपसे कुछ जानना और पूछना चाहती हूँ। क्या जानना चाहती हूँ बेटी, क्या जानना चाहती हूँ? सुनो पिताजी, और क्यों बुलवाए हो पिता और मुझको अपने पास? क्यों बुलवाए हो पिता और मुझको अपने पास? अरे बेटी, और बेटी ये अरदासी करे और बता दो, और बता दो बापू आज। पिताजी, आज अचानक मुझे क्यों बुलाया? हाँ बेटी, बुलाया हूं तो अवश्य बताऊंगा, सुनो। देकर बेटी ध्यान तू, सुनो हमारी बात। बेटी ध्यान तू, सुन मेरे बात। बंदी बंदी सुन रही हो क्रांति, बंदी बना के लाल ली जहां मिले। बंदी बंदी
बेटी, हाँ पिताजी, तुम्हारे लिए यही एक काम है, इसलिए तुम्हें बुलाया है। पिताजी ये बात है तो ठीक है, पिताजी मैं जा रही हूं। और रही बात कमलेश की, तो मैं बंदी बनाकर तुम्हारे पास अवश्य लाऊंगी पिताजी। हाँ बेटी, यही तुमसे उम्मीद है। ठीक है पिताजी। क्रांति सुनो। क्या बात है? तू जा बेटी, सहयोग मेरा है पूरा। सुन रही हो क्रांति? तू जा बेटी, सहयोग मेरा है पूरा, नहीं लाडली काम करना अधूरा। नहीं लाडली काम करना अधूरा। जा बेटी जा, जा मेरा पूरा सहयोग है। ठीक है पिताजी, मैं जा रही हूं और कमलेश को बंदी बनाकर आपके समक्ष जरूर लाऊंगी। यही तुमसे उम्मीद है बेटी क्रांति, यही उम्मीद है। क्रांति, क्रांति गई है, अब हमें क्या करना होगा? गई गई बेटी कमलेश को बंदी बनाने। गई बेटी कमलेश को बंदी बनाने, बिना पूछे ज्ञान से बाहर न हो। जादूगर भी अपने गुफा में शांत होकर नहीं बैठेगा, चल रहे हैं उस कमलेश की खोज में। मेरे पिताजी ने मुझे इजाजत दिया है कि कमलेश, कमलेश को बंदी बनाकर मेरे समक्ष लाओ। और मैं अब मैं जा रही हूं, कहीं भी कमलेश मिलेगा तो मैं उसे अपने पिताजी के पास कैद करके अपने पिताजी के पास ले जाऊं। लेकिन मैं कमलेश को कहाँ खोजूं, कहाँ देखूं, वो कहाँ मिलेगा? चलती हो उसकी खोज में। और तुझे अपना बनाने की कसम, और खाई है कसम, खाई है तुम्हें अपना बनाने की कसम, खाई है
कसम खाई है, खाई है तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई। अरे बबुआ कहे मंत्री जी, अच्छी चीज से मुलाकात हो गई रास्ते में, देख जरा गौर से। जी तो बहुत बढ़िया है मंत्री जी। बब्बू देखो हम इससे कुछ पहले पूछेंगे और उसके बाद जो भी हमारे दिल में है हम इससे जरूर कहेंगे। ठीक देवी जी। क्या बात है, क्या कहना चाहते हो और कौन हो? कुछ मैं पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हो देवी जी? जल्दी पूछो। वह साले पूछो, सिर्फ तुम्हारा परिचय जानना चाहते हैं। मेरे परिचय? हाँ। मैं, मेरा नाम क्रांति है। क्रांति? हाँ। बहुत ही प्यारा नाम। अगर नाम प्यारा है तो काम भी प्यारा होगा। ए क्रांति, तुम्हें देखकर मैं कुछ कहना चाहता हूं। क्या कहना चाहते हो? और देख कर फूल सा गोरी तेरा बदन, देख कर फूल सा गोरी तेरा बदन, आगे लगे तेरे सारा चमन, आगे ये तेरी चंचल अदा धाता कयामत सुंदरी, और सारी दुनिया की दौलत बस तेरे कदमों पड़ी। तेरी चंचल अदा धाता कयामत सुंदरी, और सारी दुनिया की दौलत बस तेरे कदमों पड़ी। और तुझको सीने लगाने को करता है, आगे ठीका लगे तेरे तारा चमन। और दूर से बात कर अरे बेशरम, जहां हो वहां चले जाओ। अरे क्रांति, तुम्हें देखकर इस जगह से जाने को मन नहीं करता। तो जब से देखा है तुमको मेरी जान मन, तब से नजरों में मेरे समाई हो तुम। आओ हंसकर गले से लगा लूं तुम्हें, आओ हंसकर गले से लगा लूं तुम्हें, मेरे इस दिल दगी की सुहाई हो तुम। आओ पल तेरे सर पे पड़ जाएगा।
लाख कोशिश करे चाहे तजदे जिया, लाख कोशिश करे चाहे तजदे जिया, और फिर भी अरमान ना पूरा हो पाएगा। ताकत तो मिल जाएगी, मांगने से तो है कोई देता नहीं। तुम्हारा दिमाग खराब। उंगलियां टेढ़ी करनी है पड़ती जगी, उंगलियां टेढ़ी करनी है पड़ती जभी, सीधी उंगली से जब भी निकलता नहीं। देखो क्या बात है, अगर सीधे मान जाओ तो ज्यादा बेहतर होगा। ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा तो होगा नहीं होगा। आज तक सूर्य प्रताप सिंह ने जिस पर नजर डाली है उसे हासिल करके छोड़ता है। दुनिया कोई ताकत सूर्य प्रताप सिंह को नहीं रोक सकती है। मेरी जान तू जैसा चाहता है ऐसा कभी नहीं होगा। मार सकते हो मेट सकते हो लेकिन क्रांति तेरी बात कभी नहीं मानेगी। होगा और इसी वक्त इसी जगह होगा। कभी नहीं होगा। तो देखते हैं कौन तेरी मदद के लिए आता है। अरे कोई नहीं आएगा, भूल से नहीं आएगा। बड़े अफसोस की बात है। कौन सी अफसोस है? कहां है तुम्हारे मुंह और कहां लड़के के हैं? प्यार में सब चलता है। चप्पल जूता सब प्यार में चलता है। कुछ भी हो हम बुरा नहीं मानते। अच्छा अब देखो हम क्या करने जा रहे हैं।